Hey guys, Assalamualaikum. I'm back with my third podcast. Okay, so आज का टॉपिक है कि क्या लड़कियों को ख्वाब देखने चाहिए अपने सोलमेट के बारे में. अच्छा, मैं बताती हूँ मैं क्यों इस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ. इसलिए क्योंकि हम बहुत ये सुनते हैं आजकल के जैसे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लड़कियाँ ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं लड़कियों को प्रैक्टिकल बनाओ, ख्वाब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको बताओ रियलिटी क्या होती है, ये उनको ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकाल लो. तो ये जो लाइन है ना, ये मुझे कभी कभी बहुत बॉदर करती है, क्योंकि मुझे डर ये है कि इस जंग में, इस जद्दोजहद में कि हम लड़कियों को इंडिपेंडेंट कर दें, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दें, या उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए धक्का दें, या उनको उस तरफ गामजन कर दें, हम कहीं ऐसा ना करें कि हम लड़कियों को ख्वाब देखने से रोक लें. सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या लड़कियों को ख्वाब देखना चाहिए, कि वो इंसान कौन होगा जो मेरी ज़िंदगी में मेरा साथी होगा एज हस्बैंड, जो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारेगा, वो कौन है, क्या उसके बारे में ड्रीम करना चाहिए कि वो कैसा है, वो कहाँ है, हम कैसे मिलेंगे, क्या होगा, यू नो ऑल दोज फिल्मी काइंड ऑफ थाट्स. जैसे वो DDLJ दिलवाले दुल्हनिया का गाना है ना, जो मुझे बहुत आजकल याद आ रहा था, और जब मैं इसको लिख भी रही थी तो मैं पॉइंट्स लिख रही थी तब भी मुझे वो गाना याद आ रहा था जो वो काजोल के ऊपर पिक्चराइज हुआ है ना, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, कहाँ है और कैसा है कोई आके मुझे कभी छेड़, कोई मुझे बताए और कभी वो मुझे आके छेड़ जाए. मैंने गलत लिरिक्स बोले, बट इस तरह का कुछ है. तो क्या आपको सोचना चाहिए? तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल आपको ड्रीम करना चाहिए. आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट टू इमेजिन कि वो कौन होगा, किस तरह का है, कहाँ है, और अच्छा किस तरह के में होता है कि आप खुद सोचते हैं कि वो बंदा ऐसा हो, उसमें ये क्वालिटीज़ हो या लुक वाइज ऐसा हो. तो वो एक बहुत खूबसूरत स्टेज होती है ज़िंदगी की, जिसमें आप ये सब ख्वाब देख रहे होते हैं. तो डेफिनेटली देखने चाहिए, ड्रीम करना चाहिए, कैसे मिलेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो कैसे कुछ इकरार करेगा, वो एक्चुअली इसमें तो ये भी होना चाहिए, वो कैसे कुछ इकरार करेगी, वो मुझे कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो कैसी होगी, और मैं चाहती हूँ कि वो कैसा हो या कैसी हो. तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ज़रूर सोचनी चाहिए. एक नेचुरल फिनोमेना है इंसान का, एक नेचुरल इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसको हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा ना डिफरेंस करना चाहिए. बिल्कुल आप सोचें, लेकिन आप ड्रीम करें, यू मेक श्योर कि आप ये नहीं सोचें कि जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी. आप ये नहीं सोचें कि वो इंसान जिसको आप अपनी ज़िंदगी का साथी चाहते हैं, जो आपका हस्बैंड होगा या जिससे आपको मोहब्बत होगी, वो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल देगा. वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा, वो मेंटली भी सपोर्ट करेगा, वो इमोशनली भी सपोर्ट करेगा. अगर आपका कोई भी मसला होगा जो अभी शायद आपके घर वाले नहीं सॉल्व करते, आपके भाई नहीं सॉल्व करते, आपकी बहनें नहीं सॉल्व करती, आपकी दोस्तें आपको सुनती नहीं हैं, या दुनिया आपको नहीं समझ पाती, तो वो एक इंसान आएगा जो इन सब से अलग होगा, वो आपकी बात भी सुनेगा, आपको समझेगा, आपको स्पेशल भी फील कराएगा. तो मुझे लगता है स्टॉप, यहाँ रुक जाइए, ये नहीं सोचिए. जब वो इंसान, वो लड़का या लड़की, वो मर्द या औरत आपकी ज़िंदगी में आएगा या आएगी, तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, आपके जो ख्वाब जो आपने देखे हैं वो पूरे हो जाएंगे. लेकिन वो इंसान आपका सेवियर नहीं होगा. मुझे लगता है ये एक बेसिक चेंज है थिंकिंग में, जो हम सबको सोचनी चाहिए. आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेंगी, आप अपने या करेंगे, बिकॉज मर्दों में भी ये होता है कि अच्छा ये पढ़ नहीं रहा, ये जॉब नहीं कर रहा, इसकी शादी कर दो. या मर्द भी सोचते हैं अच्छा, बिकॉज़ ये जो नीड है टू बी लव्ड, टू बी सेव्ड, आई थिंक वो मर्द औरत दोनों में होती है, शायद लड़कियों में ज़्यादा होती है, या उसके बारे में लड़कियां ज़्यादा बात करती हैं, और मर्दों को हम बहुत प्रैक्टिकली सोचते हुए एक साइड पर कर देते हैं कि तुम्हें तो जॉब करनी है, तुम मोहब्बत में कहाँ चले गए. तो ये मर्द या औरत की तफरीक से निकल के ये बात सोचनी चाहिए कि वो इंसान जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी का साथी हो, हिस्सा हो, वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा एक एहसास हो, वो डेफिनेटली आएगा, उसके बारे में सोचें. लेकिन वो आपको ज़िंदगी के प्रॉब्लम से शायद निजात नहीं दिला सके. शायद आप अभी भी एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हो, चाहे शायद आपके घर वालों के साथ आपके अभी भी मसले मसाइल रहते हों, शायद आपका कारोबार जो इतना अच्छा अभी भी नहीं चल रहा है, वो तब भी इतना ही स्ट्रगल कर रहा हो, चाहे, या फिर मैंने चाहे बोल दिया, शायद आपके बॉस के साथ आपके जो मसले हैं वो अभी तक रहें, शायद आपके अम्मा अब्बा जो आपको अभी तक नहीं समझते वो उसी तरीके से आपको ना समझे. मतलब ज़िंदगी में जो भी आपके मसले मसाइल हैं, जो धक्के आप खा रहे हैं, जो चैलेंजेस आप फील करें,
वो अब वैसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि शायद वो इंसान थोड़ा सा इन हालात को नरम कर दे, वो शायद एक आपको डायरेक्शन दे दे, शाम को आप घर जाएं तो आपके लिए आपके साथ कोई बात करने वाला हो, बस इससे ज़्यादा मुझे लगता है आपको उससे एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर कुछ हो जाए, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने मसले अभी भी कल भी खुद ही हल करेंगे। अगर हम ये थिंकिंग ले आएँ, अगर हम सिनारियो सोच रहे हैं, अब मैं थोड़ी सी शायद ऐसी बातें मैंने सुनी नहीं है तो मुझे कहते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन हम जब सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं, ओ हम जा रहे होंगे, हमें दावत में कोई इंसान मिल जाएगा या मिल जाएगी तो एक इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, फिर वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी और वो मोहब्बत से मेरे लिए ये करेगी वो करेगी। तो जब हम ये सिनारियोज़ सोचते हैं तो मे बी उन सिनारियोज़ को हम ऐसा रखें जिसमें वो इंसान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में सोल्यूशंस नहीं लेकर आ रहा हो, और वो हमारी ज़िंदगी को मे बी थोड़ा सा बेहतर बना रहा हो लेकिन हमारी ज़िंदगी को एकदम से आसान नहीं कर रहा हो, यू नो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सोलमेट का, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा हम चेंज कर लें इन टर्म्स ऑफ ड्रीमिंग। वी मस्ट ड्रीम अबाउट हु वी वॉन्ट टू बी विद, कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए वो इंसान इस वक्त क्या कर रहा है या कर रही है, वो कैसा है, उसके लिए शायद दुआ भी करनी चाहिए। मुझे ये बाद में आती हूँ उस पर। किसने मुझे ये कही थी, आई कांट रिमेंबर, आई थिंक Who was it? I think Zara Noor या Ikra या Hiba. I think Hiba. It was Hiba. In my interview, she said it. कि हमें सिखाया गया था कि बचपन से दुआ करो कि तुम्हारा जो भी हस्बैंड या वाइफ है उसके लिए दुआ करो। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम लोग ये कहते हैं ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है, ये बात नहीं करो। So coming back to the soulmate, yes, dream about that person. Pray for that person कि वो इंसान, लड़का या लड़की जिधर भी है, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ोमान में रखे, उसको हिदायत दे, उसको उसका बेहतरीन वर्जन बना के आपकी ज़िंदगी में लेकर आए। आई एम वेरी ग्लैड मैंने अल्लाह का जिक्र कर लिया इस गुफ्तगू में भी। तो या सो डू ड्रीम अबाउट योर सोल मेट, जस्ट चेंज द वे यू थिंक और यू ड्रीम। सो ये डिफरेंस होना चाहिए ड्रीमिंग एंड थिंकिंग और वॉन्टिंग के हमारा सोलमेट हमारा सेवियर होगा या होगी और हमारी ज़िंदगी एकदम से जन्नत बन जाएगी और फूलों से भरा हुआ रास्ता बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कांटे वहीं रहेंगे और ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल रहेगी। शायद ऐसा हो कि कांटों की चुभन आपको हल्की सी कम महसूस होने लगे अगर एक अच्छा इंसान आपको ज़िंदगी में साथ मिल जाता है। तो ये मुझे लगता है कि लड़कियों को अपनी थिंकिंग इस तरह चेंज करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, आपको दर्द कम होता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स कम होती हैं, आप ज़िंदगी में हमेशा बहादुर रहते हैं। अगर वो इंसान आपका साथ छोड़ के चला जाए तो आपको धचका नहीं लगता, ऐसा नहीं होता कि आप पैरालाइज हो जाते हैं और आप कुछ कर नहीं सकते, फिर एक पूरा प्रोसेस एक जर्नी होता है दोबारा खड़े होने का। नहीं, आप चलते रहेंगे, आपको थोड़ा सा धक्का लगेगा, आप एक सेकेंड के लिए बैठेंगे, सांस लेंगे, फिर खड़े होकर चलना शुरू कर देंगे। ये फ़र्क होता है व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर ओन सेल्फ टू बी योर ओन सेवियर and not wanting और ये आप ना चाहें कि आपका जो भी husband है या जो भी जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं वो आपकी ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल को सॉल्व कर देगा। एक मैंने सबसे लास्ट पॉइंट, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जो ये मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी होती जा रही है जहाँ पर लड़कियाँ अब जॉब करती हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अब लड़का लड़की दोनों साथ काम करते हैं, कि हम मोहब्बत में बिलीव करना छोड़ दें, हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाएं, हम फेरी टेल्स में बिलीव करना छोड़ दें, हम सोलमेट्स में बिलीव करना छोड़ दें और हम सोचें कि नहीं, शादी और किसी के साथ रहना जो है वो एक प्रैक्टिकल या एक बड़ा मटीरियलिस्टिक डिसीजन होना चाहिए। जब आप ख्वाब देखेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। सो आज मैं बस यही कहना चाहती थी कि ख्वाब देखना बंद नहीं कीजिए, ख्वाब ज़रूर देखिए लेकिन ख्वाब में थोड़ी सी तब्दीली कर लीजिए कि वो क्या देख रहे हैं और उसमें जो इंसान आपके साथ है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। दैट इज़ ऑल। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी है बात तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे जो भी आइडिया आता है आजकल, मैं आके बस मेरा दिल चाहता है सुबह सुबह, तो जब उठती हूँ तो दो तीन आइडियाज़ मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं, मुझे होता है मैं जाके बस लगाऊँ ये अपना फ़ोन या कैमरा और रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ, लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत से काम करने होते हैं बस। तो ये जर्नी जारी है। आई होप यू एंजॉयड माई पॉडकास्ट दिस टाइम। Take care and Allah Hafiz.